हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और स्वागत है आप लोगों का रुचिका स्मिक ओवर में। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ आज मैं आप लोगों के लाई हूँ अपने एक नया वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लॉसम कॉचर के अरोमा मैजिक एंटिक पिगमेंटेशन ग्लोसी पैक के बारे में। ये पैक जो अभी आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यही है हमारा अरोमा मैजिक का एंटी पिगमेंटेशन पैक। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं हम इसकी डिटेल की तरफ। तो ये ऐसे पैकेजिंग में आया है। तो सबसे पहले जो है हम इसके रेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये सब, इसका जो रेट है वो मेंशन किया हुआ है, पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट भी है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पे ये बार कोड दिया हुआ है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है। इसकी ऑथेंटिसिटी आप जांच कर सकते हैं। यहाँ पर ये 1 रुपये दिखा रहा है, जिसके से ये बता रहा है कि जो 1 रुपीज़ का साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग जो है ये जितना भी प्रोडक्ट का जो मुनाफा होगा इससे जो कंपनी है वो 1 रुपये जो है वो सामाजिक कार्यों में खर्च करती है। उसके साथ ही यहाँ पर ये बार कोड दिया गया है, यहाँ भी एक ऑथेंटिसिटी का ये जो है स्टिकर लगाया गया है और ये सब बताया गया है कि इसे किस तरह के से बनाया गया है और ये किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल है। साथ में यहाँ पर इसको हाउ टू यूज़ बताया गया है, साथ में कॉशंस बताए गए हैं, साथ में जो है आपको डिस्क्लेमर भी जो है वो इसका दिया गया है। तो ये सारा ऐसे पैकेजिंग में आया है और मैं अपने वीडियो में आप लोगों को उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगी और डिटेल में बताऊंगी। अब हम इसे ज़रा ओपन करके देख लेते हैं। ये ऐसे आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका रिज़ल्ट जो है वो मेरे फेस पे कैसे आया है, क्योंकि बहुत दिनों से जो है मैंने अपनी चेहरे पर पिगमेंटेशन जो है वो इकट्ठी कर रखी है, तो मैं आपको उसको अप्लाई करके बताती हूँ। तो अब ये जो है हमारा पिगमेंटेशन पैक, इसे कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपना जो फेस है वो अच्छे से धो लिया है और अब एक ब्रश की मदद से मैं इससे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी, जहाँ इसके इस्तेमाल से ये ऐसे सील बंद आएगा और इसके इस्तेमाल से जो है थोड़ी सी इरिटेशन या ईचिंग जो है वो आपके फेस पर हो सकती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है पिगमेंटेशन रिमूव करेगा, तो आपके चेहरे पर ईचिंग होना जो है वो स्वाभाविक है। अब जो है मैं इसे ब्रश पर ले रही हूँ और बहुत भर भर के आपको जो है वो नहीं लगाना है, इसको अब हम अपने चेहरे पर लगा रहे हैं। जो भी आपके पिगमेंटेड हिस्से हैं उसे आप लगा सकते हैं और यूज़ करने का तरीका ये है कि आपको, अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो फेस को अच्छे से पहले हम क्लीन करेंगे और हफ्ते में 2 बार जो है वो हम इसे अपने चेहरे पर और नेक पर जो है अप्लाई करेंगे। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस पैक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ आप जो है CDM रोज़ करेंगे, स्किन की केयर जो है वो आपको अवॉइड नहीं करनी बिल्कुल भी, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोई अच्छा CDM ले लें, और मैंने भी अपने पिछले वीडियोज़ में आपको एक CDM के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो वो वाला जो CDM है वो आप ले सकते हैं और उसको सुबह शाम जो है आपको सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद जो है वो पिगमेंटेशन के साथ साथ वो वाला CDM जो है वो आपको अप्लाई करना है। CDM आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। और ये जो हमारा पिगमेंटेशन पैक है इसे आपको अच्छे से अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ना है और फिर जो है आपको इसको पानी से जो है वो धो लेना है। तो मैं अब अच्छे से इसको लगा रही हूँ अपने स्किन पे। अब जो है मैंने इसे अच्छे से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया है और 15-20 मिनट तक हम इसे ऐसे सूखने देंगे और उसके बाद हम इसे पानी से वॉश कर लेंगे। और इस पिगमेंटेशन पैक की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं उनको भी कम करता है। तो ब्लॉसम कॉचर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा जाना माना ब्रांड है। तो चलिए अब हम इसको सूखने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अब जो है ये चेहरा मैंने अपना अच्छे से धो लिया है पानी से और अब मैं इसे साफ कर रही हूँ और अच्छे से इसे किसी टॉवल से आप लोग अपने चेहरे को साफ़ कर लीजिए। देख लीजिए मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी जो है वो पिगमेंटेशन काफ़ी हट गई है, माथे से भी काफ़ी हट गई है। तो अगर आप लगातार इसको यूज़ करेंगे तो हर पैक के साथ ये जो है आपकी पिगमेंटेशन कम होते जाएगी। और अच्छे से साफ़ कर लीजिए, बाद में चाहें तो आप चेहरे पे मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि
आप लोग CTM का प्रयोग ज़रूर करें तो इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और पिगमेंटेशन नहीं जमेगी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।